बड़ी ही ठीक मोहब्बत है तुम लोगों की। बस और आप भाई साहब अभी से इनके पीछे इतने पागल हो गए? यार इतनी ख्वारी तो मैंने भी नहीं की इसकी। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद इसके कदमों में बैठो। ठीक कह रहे हो। अब पता है क्या, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मुझे इतनी नेक सीरत बीवी मिली, और वो भी मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं इस बात को समझूं। मजाक अच्छा कर लेते। चलो जाहिलों के मुंह नहीं लगते। एक सेकंड, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे इस घर में मत आया करो। तुम जैसी औरत का साया भी मेरे बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आती? 10 बार आऊंगी उससे मिलने के लिए। वो बच्चा है मेरा और मैं माँ हूं उसकी। जब जब मेरा दिल करेगा मैं उससे मिलने के लिए आऊंगी। और अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं और ना ही तुम्हारी इजाजत की मुंतजर। अच्छा, तो जब मेरी बीवी थी तब मेरी कितना सुनती थी? क्या गैर मर्दों के पास अपनी कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं? अच्छी तरह जानते हैं हम तुम क्या चीज हो। पहले तुम मेरे शौहर थे इसलिए मेरे लिए काबिले इज्जत थे। मैंने तुम्हारा हर इल्जाम बर्दाश्त किया मगर अब नहीं करूंगी। और मुझे मेरे किरदार की हिफाजत करना आती है और तुम्हारे जैसे बदजबान लोगों को जवाब देना भी आता है। इसलिए आज के बाद जो कुछ भी कहना सोच समझ कर कहना। चलो